बिग बॉस 13 में अब धमाका मचने वाला है क्योंकि एक नया होस्ट घर में दाखिल हो रहा है, घर में तो नहीं घर के बाहर से, और लोगों को बहुत तंग करने वाला है क्योंकि इन्हें घर की सारी जानकारी है। प्रियांक शर्मा के फैंस के लिए है गुड न्यूज, वो बिग बॉस के अनदेखे पलों को होस्ट करते हुए नजर आएंगे, वो भी वूट पर। मेरे साथ है प्रियांक शर्मा। मैं तंग नहीं करने वाला। अरे सर, मैं तंग नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ साथ दूंगा, मैं सिर्फ मस्ती करूंगा, तंग नहीं करूंगा मैं। तो प्रियांक एक बार फिर से बिग बॉस के घर में जा रहे हैं, लेकिन इस बार सीजन अलग है, घर भी अलग है और प्रियांक भी अलग है। बिल्कुल नहीं, मैं तंग मैं नहीं करूंगा, आप लोग हो जाओगे, वो आपकी प्रॉब्लम है, वो मेरी नहीं है, वो दर्शकों की प्रॉब्लम है, मैं नहीं तंग करने वाला यार, आप लोग हो जाओगे, वो आपकी प्रॉब्लम है, आप संभाल ली। व्हाट ब्रिंग्स यू टू बिग बॉस 13 अगेन? व्हाट ब्रिंग्स मी बैक, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ शो वेयर आई स्टार्टेड सर, आपके सामने ही, आपने तो देखा ही है। सो आई थिंक अभी कमिंग बैक टू दिस प्रॉपर्टी एंड होस्टिंग दिस, आई थिंक यही बताते कि हाउ द टेबल्स हैव टर्न फॉर मी, कैसे चीज़ें चेंज हो चुकी हैं मेरे लिए, एंड कहाँ दो साल पहले की बात है जब मैंने बिग बॉस से गया था और फिर बाहर आया, एंड आज मैं होस्ट करने वाला हूँ। सो आई थिंक ये ज़रूर है चीज़, जो प्यार है बिग बॉस से आज तक वो रहा है, एंड यू नो अब डिफरेंट साइड पर हूँ मैं, तो आई थिंक वो एक्सप्लोर करने की बारी है। तो प्रियंका सीजन था बिग बॉस का, इट वाज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल मोस्ट वॉच सीजन, और उसमें खास बात थी कि इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वो टॉक्ड अबाउट हुआ था, और इस बार ये बात है कि ये डिजिटल मीडिया पे वोट पर दिखाई देगा, ये जो बिग बॉस का जो पूरा आप शो होस्ट कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया की ये दुनिया है जो उस बिग बॉस से शुरू हुई थी, आप देखिए कितना बड़ा, क्या आप इस प्लेटफॉर्म पर आप ये शो कर रहे हैं, तो वॉट इज़ द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन अ शो लाइक बिग बॉस? सी इन शो लाइक बिग बॉस सोशल मीडिया प्लेज अ वेरी बिग रोल, बिकॉज देर इज अ सर्टेन ऑडियंस जो सिर्फ शो देखती है, एक सेट ऑफ ऑडियंस ऐसी भी है सर जो लिटरली शो देखने के बाद उठती है, फ़ोन उठाती है, हमें हमारे लाइफ स्टाइल को फॉलो करती है, कॉमेंट करती है कि उनका ओपिनियन क्या है, फिर हमारे उस हिसाब से वोट करती है ट्विटर पर जाके, ट्विटर तो इस वक्त मतलब बवाल मचा रखा होता है ट्विटर ने, यू नो द ओपिनियंस एंड एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट द शो, व्हाट इज़ दैट ओपिनियन, व्हाट इज़ द सब ओपिनियन, सो आई थिंक सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स आउट देयर इन द गेम, दैट्स व्हाई बिग बॉस इज़ बिकमिंग बिगर ऑल्सो एवरी ईयर, बिकॉज सोशल मीडिया इज़ बिकमिंग बिगर एवरी ईयर, पीपल मोर पीपल आर गेटिंग एसोसिएटेड नाउ, मोर मार्केट इज़ कमिंग, सो येस वेरी मेजर रोल सोशल मीडिया हैज़। मैं बात करूँ बिग बॉस 13 की, तो इस बार कितना बढ़िया है ये शो, कंटेस्टेंट बहुत धमाल मचा रहे हैं, कोई लड़ रहा है, झगड़ रहा है, हर तरह के रूप देखने को मिल रहे हैं, तो इस बार आपको कौन कौन आपके फेवरेट कंटेस्टेंट विच यू थिंक आर रियली लाइक स्वैगर है जिनमें? अमित सर, मैं एक चीज़ तो बोलना चाहूंगा, अब मैं कंटेस्टेंट नहीं रहा, मैं ना गेस्ट हूँ, अब मैं होस्ट हूँ, तो मैं इसका आंसर नहीं दे सकता, मान के भी तो फेवरेट है, मैं तो क्या हो गया, वो बोलते थोड़ी ना, वो जब बोलेंगे उनको बोले तो मैं तो नहीं बोलने वाला, मैं होस्ट हो गया, मैं नहीं बोलूंगा, मैं पार्शियल नहीं हो सकता किसी के लिए, सो होस्ट बनते कि तो डिप्लोमेटिक हो गए हो। अच्छा बताइए, सलमान खान जो मेन शो होस्ट कर रहे हैं, उनके कुछ कुछ टिप्स लिए आपने, उनका अंदाज, उनका किस तरह से डील करते हैं, तो थोड़ा सा जो एक सलमान से, बिकॉज पीपल आर गोना कंपेयर यू विद सलमान बिकॉज द होस्ट ऑफ द शो, तो वो सलमान का कितना जुनून और कितना हैंगओवर आप पे रहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंपेयर प्लीज मत कीजिए, आप क्या कंपेयर कर रहे हैं, मतलब किससे कंपेयर कर रहे हैं मुझे, आप खुद सोचिए, लाइक बिकॉज आई हैव बीन यू नो कंटेस्टेंट in front of him, so there's no comparison at all if you see, because I have so much to learn and he has such so amazing experience, unka experience hi alag level ka hai Salman sir ka, and talking about maine kya tip liya hai, like main apne aap ko hi rakhna chahta hu, because main jitna Priyank ban ke rahunga utna main acha rahunga and confident rahunga, but the confidence he has, he carries always, that aura he has, that bhai aura, you know, that is one thing that is not everywhere, like aapko dekhne ko hi nahi milega, maine hi nahi dekha abhi tak, so that is one confidence, you know, just taking it over, like it's my, like he owns it, that thing, and it's very positive, it never come out across to be like very negative, no, it's very lot of positive, you know, things, and that aura comes out to be like that, and it hits people like us, so I hope I could do the same thing to people, I hope. आप हमेशा स्टाइलिश रहते हैं, स्टाइल आइकॉन है, तो इस बार कैसा लुक है आपका शो में, और हम आपका सेट भी देख रहे हैं, काफ़ी कलरफुल है, जिस वक्त में हम यहाँ पर खड़े हैं इस जगह पर, तो दिस इज़ अ ग्रेफिटी वॉल ऑन द सेट, अगर आप देखें, दैट्स द हेलो सेक्शन वी हैव ओवर देयर, इट्स लाइक सम बार काइंड ऑफ अ सेटअप ओवर हियर, सम ग्रेफिटी वी हैड ऑन द वॉल, एंड आई एम ट्राइंग टू ऑल्सो वेयर सम वेलवेट जैकेट, जस्ट नॉर्मल टी शर्ट एंड अ ट्राउजर एंड सम, ये आपका लुक एज अ होस्ट यही रहने वाला है? एज अ होस्ट आई विल बी कीप चेंजिंग इट, चेंज करता रहूँगा, क्या पता अभी नेक्स्ट लुक, अभी जब मैं जा रहा हूँ, अभी हम शूट करेंगे इसका बिग बॉस का, तो वो थोड़ा डिफरेंट है, तो दैट्स आई विल बी प्लेइंग अराउंड विद अ लॉट ऑफ लुक्स एंड ऑल ऑफ दैट। चलिए, आपको इस नए अपने वेंचर के लिए ऑल द बेस्ट, उम्मीद करें जैसे बिग बॉस ने, पिछले बिग बॉस ने आपकी लाइफ बदली है, बिग बॉस भी आपके लिए लाइफ चेंजर हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू अमित सर, थैंक यू। फैंस को क्या कहेंगे?
मैं बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिए आप अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स को, प्लीज़ मत भूलिए कि उनको वोट करना है, तो प्लीज़ करिए, बिकॉज यू आर द पीपल, आप ऑडियंस हैं, आप लोगों की ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं. आप लोगों के चक्कर में मेरी ज़िंदगी एक्चुअली चेंज हुई बिकॉज ऑफ यू पीपल. लुक वेयर आई एम स्टैंडिंग, आई एम लाइक आई कैन से आई एम वन ऑफ द एग्जाम्पल्स. मैं एक एग्जाम्पल हूँ कि जो कंटेस्टेंट आया था 2 साल पहले, आज एक होस्ट कर रहा है उसी शो की एक प्रॉपर्टी को. सो योर वन वोट कैन मेक सो मच डिफरेंस इन अ, यू नो, एक दूसरे की ज़िंदगी में. Please don't hesitate. Please give them chances because they are humans after all. They are celebs. Don't forget that they are humans after all. They will make mistakes. They are there to make mistakes. So don't judge also. It's always great to give chances. And mujhe cha mauke mile, mujhe chances mile. And look what I did. And maybe kal ko koi aur aayega, yaar aayengi, to wo kuch aisa kar payenge. So please don't hesitate. All the best. Thank you, Mr. Aur Bigg Boss 13 ke judi vihar jankari ke liye aap bane rahiye hamare saath. Amit Tyagi, Mumbai, Aaj Tak. We'll be right back.